चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 9:28 और बाइक चल चुका है 1739 किलोमीटर। सर नमस्कार। किसी टाइम ये इस जैसा बॉडी था, अभी देखो खा का क्या हो गया है। पहलवान, फद्दू पहलवान साला। और ये जब रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते का जो कोलागढ़ में रहते हैं उसका पता होगा, उसका इसका नाम है स्कूल मोड़। और ये जो स्पेशली स्कूल देख रहे हैं, इस स्कूल में एक्चुअली हमारा स्कूल था एक्चुअली। ठीक है, कभी इसका ब्लॉग बनाएंगे अभी, अगर आप कमेंट करते हो तो इसका नाम है कोला यूनियन हाई स्कूल। क्या 100 साल हो गया, 100 साल कंप्लीट किया स्कूल। देखो और यहाँ पे मेला वेला लगता है। ठीक है, अगर होगा तो हम जरूर ब्लॉग करेंगे, भाई के साथ बने रहो। और जिस दुकान में हम जा रहे हैं एक्चुअली रिसेंटली ओपन हुआ है। अबे इतना छोटा सीढ़ी कौन बनाता है भाई। अभी हम जो बैठे हैं, दुकान का नाम है हाजरा फोटोग्राफी, जो कि लोकेटेड है कोलागढ़ में। तो इस दुकान पर हम प्रिंटिंग करवाएंगे, जो कि क्वालिटी हमने वहाँ पे पिछले वीडियो में देखा था कि देख सकते कितने लोग आए हैं और जो भी फ्रेंड लोग हैं, मैंने पिछले वीडियो देखा था कि क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी मुझे पसंद है। अभी यहाँ पे प्रिंट होने वाला है, यहाँ पे मैं देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह सब कुछ। और एक्चुअली दुकान न्यू ओपन हुआ है, दुकान एक्चुअली पब्जी खेल रहे हुआ दुकान एक न्यू ओपन हुआ है, तो कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और जो मेरे इलाके में देख रहे हैं तो उनको आप क्या चीज़ कहना चाहोगे, चीज़ कैसा मिलता है, मतलब सर्विस कैसा रहा पहला? सर्विस अच्छा होगा इसका। पहले इनका 3 ब्रांच है, एक ब्रांच है सामने जो .com नाम के ऑनलाइन कैफे है उसके नीचे है, और ये नया ब्रांच खुला हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन खुला एक्चुअली ये ब्रांच जो है कल ही ओपन हुआ था, कल ही ओपन हुआ था। फेसबुक पेज, फेसबुक में क्या नाम था, फेसबुक में आप सर्च अगर करोगे तो हाजरा फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा। तो और कुछ कहना चाहोगे? 3 ब्रांच है, मतलब सर्विस ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा। प्राइस भी देखे हैं, प्राइस बहुत मेचादा में हम पिछले ब्लॉग में किए थे कि प्राइस थोड़ा सा उसमें ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा रिजनेबल लगा। भाई कुछ कहना चाहोगे दुकान के बारे में? नहीं, मैं तो आज पहले बार आया हूँ, तो ठीक है। अगर काम अच्छा लगा तो भाई ये जो फीडबैक है शेयर कर देना जरूर। ठीक है, क्या लगने वाला है। ओह, अरे नीचे नाम में बस ये लगने वाला है, बहुत बढ़िया। अब ये वाला एक्चुअली सैंपल है और इसके बाद एक्चुअली फाइनल प्रिंट होने वाला है। और एक्चुअली ये वाला मशीन से प्रिंट होता है, देख लो भाई, ये कंप्लीट वजह मैं आपको दिखाएंगे एक्चुअली। तो देख लो भाई, यहाँ पे एक्चुअली हीट करने के लिए इसको रखना पड़ता है। कितने मिनट रखना पड़ता है हीट करने के लिए? 10 मिनट रखना पड़ता है हीट करने के लिए। और ये हमारे एडिटर भैया, अब एडिटिंग करने कंप्लीट हो गया, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या किस से प्रोसेस होता है। Two thousand years later. और एक्चुअली काम थोड़ा सा लेट हो रहा था, इस ब्लॉग को हम आफ्टरनून में कंटिन्यू करेंगे, अभी मुझे कुछ जाना है, तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एंजॉय द ब्लॉग, दोपहर को मिलते हैं। 2000 years later. सो दोपहर को निकले हैं, 5:15 होने वाला है और अभी पिक करना है निलाद्री सामंतो दा को और ये वाला दुकान अभी ओपन है, आएंगे अभी पिक करने के बाद। ये देख सकते अभी शाम हो रहा है, तो उस हिसाब से रास्ता पूरा क्लियर है, तो बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और वेदर भी बहुत, क्या बारिश हो रहा था अभी थोड़ा सा रुका है,
बहुत मजा आ रहा है बाइक चलाने में। अबे लॉकडाउन में ट्रेन कहाँ से जा रहा है बे? एक्चुअली बच्चों ने सुना था कि ट्रेन की नीचे जब जा रहा है तो उसके नीचे से मत जाओ, पता नहीं क्यों। 2000 years later. अब बात ये, आज काम कुछ हुआ नहीं जिस काम से आए थे। अभी जस्ट मैंने दुकान को विजिट किया तो उसके बाद बोल रहे हैं कि जो काम करेगा वो आया नहीं। अरे यार, मैंने दो बार दुकान विजिट कर लिया इस काम के लिए, मतलब आधा काम हो गया, जस्ट प्रिंट करना है बट हुआ नहीं। अब इस ब्लॉग में हम आपको क्या दिखाएंगे बताओ, जो दिखाना था वो हुआ ही नहीं। मैंने पहले सोचा कि इस वीडियो को अपलोड ही नहीं करते हैं, बट ठीक है कल वीडियो अपलोड हुआ नहीं इस चक्कर में, अगर इस चक्कर में पढ़ रहे हो तो आज भी वीडियो अपलोड नहीं होगा, ये ब्लॉग हम कल कंटिन्यू करेंगे। इससे बढ़िया है कि कल हम एक नया ब्लॉग अपलोड कर देते हैं, बट अभी जितना हो सके मैंने आपको दिखा दिया है वही है। और एक अनाउंसमेंट आपको करना है कि मैं गिव अवे का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो का लास्ट में देखना, मतलब पूरा वीडियो देखना बट लास्ट में देखना ज़रूर, कि गिव अवे का पूरा क्या क्या गिव अवे होने वाला है सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में बताई है, तो वो वाला वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। और गिव अवे में हम दो चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, एक है टी शर्ट जो कि प्रिंट होने वाला है, बुरी का ब्लॉग बनते बनते नहीं बन रहा है, और एक प्रिंट एक आपका एलईडी बल्ब, ठीक है, हेलाइट का, जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेरी था, तो वही है वो हम बता रहे हैं। उसी रिलेटेड हमने ब्लॉग करना चाह रहा था बट अभी हुआ नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं। कल वाला ब्लॉग देख लेना तो आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। बात तो आधा काम तो मैंने आपको दिखाई दिया है, और मैं सोच रहा हूँ बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है कि आप बंगाली पर्सन हो तो बंगाली के ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। और एक्चुअली मैं रीज़न बताया था एक प्रॉपर वीडियो में कि देखो मेरा चैनल स्टार्टिंग से ही हिंदी है, ठीक है, बट मेरा मदर लैंग्वेज है बंगाली, ठीक है, मैं बंगाली हुआ है, वेस्ट बंगाल रहता हूँ, तो मेरे चैनल जे एज हिंदी है स्टार्टिंग से, तो मैं अगर बंगाली में इसमें शिफ्ट करूँगा ना तो बहुत सारा दिक्कत वाली बात हो जाए, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है मोस्ट ऑफ द पीपल हिंदी में है, हिंदी से ही है, बिलोंग करते हैं। तो इसका आइडिया सोल्यूशन ये है, मेरा जो सेकेंड चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, ब्लॉग चैनल मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, तो वो वाला वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस चैनल को हम कम्प्लीटली बंगाली ब्लॉग में, जो भी बंगाली कम्युनिटी का पर्सन है तो कमेंट में करे आइडिया कैसा लगा बताओ, उस चैनल में आपको प्योर बंगाली ब्लॉग आपको मिलेगा, जो फन वाला ब्लॉग होता है हमारा लैंग्वेज में, एक्चुअली बंगाली में प्योर बंगाली, तो वो वाला चैनल उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, और उस चैनल को जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलो आज मूड पूरा ख़राब हो गया है, क्या सोच के आए थे कि आज प्रिंट विंट हो जाएगा देखेंगे पहन के, बट हुआ नहीं, उस चक्कर में मूड थोड़ा सा ऑफ है। बहुत सारे लोग क्वेरी आ रहा था कि लड़ने को नाइट में देखना है, नाइट में कैसा विजिबिलिटी आता है, तो देखो भाई नाइट में देख लो क्या मीटर का विजिबिलिटी आता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इसका नाइट का विजिबिलिटी, कि मैंने जब बाइक खरीदने गया था नाइट में डिलीवरी लिया था, तो पहले स्टार्टिंग से ही मैं नाइट का विजिबिलिटी देख के फैन हो गया हूँ, तो इसलिए इसका बाइक का नाइट का विजिबिलिटी मुझे बहुत पसंद है, और इसका हेडलाइट का थ्रो भी बहुत अच्छा है, जल्दी हम अपडेट करेंगे एलईडी से, बहुत सारा मॉडिफिकेशन इसमें करना है बाकी है भाई, वेट करो थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है अभी, और इस चैनल को जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर पूर्ण करो भाई। सो जिस लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब मस्ट, और गिव अवे वाला वीडियो जल्दी से जाओ देखो पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा एलईडी प्लस टी शर्ट का, तो ऐसी बात है, तो जाओ जाके देखो पार्ट लो, और मुझसे पर्सनल पूछ सकते हो क्या गिव अवे का रूल है, रूल एक्चुअली लिखा है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंक किया हुआ है, बट फिर भी स्टिल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उससे मुझे पूछ सकते हो, तो मैं गिव अवे का रूल वे आपको टेक्स्ट मैसेज करके बता दूंगा। सुजुकी बलेनो। क्या हो गया भाई यहाँ पे रोड रेज, ये जो गाड़ी जो है ना ये बहुत जगह है बट फिर भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों क्या दिक्कत है। आई होप कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, दिक्कत हो गया था, बट ठीक है भाई लोगों ने उसको डांट दिया, उसका मतलब आई मीन उसका गाड़ी बंद हो गया था,
बट इन भाइयों ने उसको डांट दिया कि क्यों ऐसा ऐसा कर रहे हो कि करोड़ जो खाली है, मतलब जो होता है वही। ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया, इंटरेस्टिंग लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को इस वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा लाइक कर दो, प्यारा का कमेंट कर दो और इस वीडियो को शेयर कर देना। और गिव अवे वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जाके देखो भाई, पार्टिसिपेट करो। बाय बाय, जय हिंद। और बारिश भी आ गए, भारत माता की जय। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट टू, जो टी शर्ट प्रिंटिंग वाला वीडियो कल डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।